मैनपुरी चौराहा शिकोहाबाद जन मेडिकल स्टोर पर जोशीला स्वागत किया गया एवं समाज के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का महत्व समझाते हुए बताया कि आगे की कोई भी प्राइवेट सरकारी अर्ध सरकारी व अधिकारी किसी लेवल की नौकरी हो उसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जहां लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं एवं अपना कोई छोटा बिजनेस भी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का अति महत्व है। आधुनिक समय में बिना कंप्यूटर शिक्षा के तरक्की करना संभव नहीं है। अभिभावकों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हर घर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर होना अति आवश्यक है। हर घर में कंप्यूटर हो ये हर विद्यार्थी का प्रथम कार्य होना चाहिए। आगे आने वाले समय में एक कदम भी बिना कंप्यूटर के चलना मुश्किल होगा। भारत के आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम बताते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा अति आवश्यक है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शिक्षा के लिए हम जिस भी माध्यम से काम करें, चाहे वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से, चाहे कॉलेज के माध्यम से, चाहे मैनेजर गाइडेंस के कार्यक्रम के माध्यम से या अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारी जो लक्ष्य टीम फिरोजाबाद की टीम है, उस टीम ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। और ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये सेंटर आज जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका प्रतीक है। और आज के समय में जो ग्रामीण शिक्षा है खास करके, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर शिक्षा की। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं प्राइवेट कंपनियों में, उनको जॉब की समस्या होती है। प्राइवेट कंपनी वाले बिना कंप्यूटर की जानकारी वाले बच्चों को नहीं रखते हैं या बिना इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चों को नहीं रखते हैं। एक आधार इन्होंने यहाँ प्रदान करने की कोशिश की है कि कम से कम बेसिक कंप्यूटर यहाँ से सीखे जाएंगे तो किसी भी कंपनी में बच्चे जॉब कर सकते हैं। दूसरा, जो सरकारी क्षेत्र है, आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दीजिए, आप SSC का, बैंक का, रेलवे का, इवन अगर आप IAS का परीक्षा भी देंगे तो IAS की एग्ज़ाम के बाद जब आप अफसर बन के जाते हैं वहाँ भी आपको सारे काम कंप्यूटर पर करने होते हैं। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा मेरे हिसाब से अनिवार्य है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर आपके स्किल को बढ़ाता है और आप भी काम करना चाहें तो जी करो, उस काम को सहज करता है। तो खास करके यदि आप किसी सेवा में जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।